इस तरह का फोटो एडिट अगर आपको करना है आप कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ फोटोशॉप एंड सम रेफरेंस फोटो, जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट एंड फ्यू बैकग्राउंड्स। एंड आप घबराइए मत, मेरा जितना भी इसमें यूज हुआ है सब मेरा वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो एज यू देख सकते हैं ये मेरा एक मेन पिक्चर है जिसमें मैं खड़ा हूँ एज अ उंगली दिखाकर, और ये मेरा बैकग्राउंड है। तो पहले यहाँ से मैं काम करता हूँ, देखिए मैं आप ऑलरेडी बैकग्राउंड को डिलीट करके रख चुका हूँ। यहाँ से मैं वो फोटो को पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास और एक तो है विथ मास्क, तो ये फोटो को मैं डिलीट कर दिया। देख सकते हैं आप मेरे ये मास्क फोटो और ये मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह लगेगा अगर मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर प्लेस कर दूँ। फिर इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड को कैमरा रॉ फिल्टर में ले जाता हूँ, कुछ रिटच कर देते हैं यहाँ पर सिंपली। तो देख सकते हैं क्या क्या मैं कर रहा हूँ, मैं ये एज ये कि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो हर चीज़ मैच नहीं होगा, आप देख लेंगे अच्छे से। तो मैं इसी बात में मैं और भी बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, बस यही। और देख सकते हैं मैं क्या क्या यहाँ टच कुछ कलर वलर शेडो हाईलाइट से खेला हूँ, मैं यहाँ पर छेड़छाड़ किया हूँ, वाइब्रेंस को बढ़ाया हूँ, एक्सपोजर को कम किया हूँ। फिर यहाँ से ओके दबा देते हैं हम लोग, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा एस मतलब हम लोग को चाहिए नाइट नाइट मोड जैसा। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये नाइट नाइट लग रहा है, तो अगर हमें फिंजेस जो होता है मेरा सब्जेक्ट का ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं सेलेक्ट ऑल करके मॉडिफाई करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इसका वैल्यू रखा, पता नहीं कितना रखा था मैं, टू ना शायद टू रखा था। और या फिर मैं मास्क कर देता हूँ, तो जितना फ्रिंजेस होता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो चला गया, क्योंकि एज ए मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया था मेरा सब्जेक्ट, तो कुछ फ्रिंजेस आ ही जाएगा। पेन टूल से यूज़ करने से हालांकि नहीं आता, लेकिन मैंने क्विक सिलेक्शन टूल से यूज़ किया था तो इसलिए ये फ्रिंजेस आया। तो पहले सब्जेक्ट को अच्छे से प्लेस कर देते हैं, बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अपना सब्जेक्ट को आप प्लेस कर लो अच्छे से। और अगर आपको सेम फोटो बनाना है तो अगर मेरे जैसे पोज करके आप सेम कह सकते हैं, अगर मेरा ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, तो मैं पहले अपना इंटरनेट कनेक्ट करके कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे को, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फिर से। सो मैंने डाउनलोड कर लिया और बस फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। ये प्रिंटेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर तरह का बैकग्राउंड मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराइए मत, मेरा वेबसाइट में आपको सब मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पहले जितना जो डाउनलोड किया वो फोटो निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में होगा। और ये था मेरा पुराना, ये तो ये जो फोटो है इसने ये मैं डाउनलोड किया था, और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लेता है और ट्रांसफॉर्म कर लेता है अकॉर्डिंग टू आवर मेन पिक्चर। तो यहाँ पर यहाँ में सिर्फ हम लोग को 2020 चाहिए, और जो ऊपर वाला ऊंचाई पहाड़ जैसा दिख रहा है वो चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले ये जो ऊपर में हैप्पी न्यू ईयर और वेबसाइट का नाम है उसको पहले हटा देता है, ये जो वाटर मार्क है उसको पहले हटा देता है, पहले रिप्लेस कर लेता हूँ इनसे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस F5 दबाएंगे तो आ गया ये कंटेंट अवेयर, यहाँ पर ओके कर देने से ये हट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हट सकता है। हाँ तो बच गया कुछ ये आ रहा, तो ये इस सब को हम लोग भी फिर से शिफ्ट प्लस F5 दबा के कंटेंट अवेयर में जाके सबको हटा लेंगे हम लोग। तो देखिए आप आराम से, यहाँ पर कुछ मसला नहीं हो रहा, सिर्फ हम जो पैर पीछे का हुआ है वो सबको हटा रहा है सिंपली, ज़्यादा घबराने का बात नहीं, आप भी हटा सकते हो। अब कोई भी यूज़ कर सकते हो क्लोन स्टैम्प टूल जो आपको बेहतर लगे, क्लोन स्टैम्प टूल जो भी हो। तो जैसे कि मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्क्रीन, और मेरा लैपटॉप उतना खास नहीं है, सो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में गिर गया था, तो ये सब कंटेंट अगर कंटेंट और मैं थोड़ा लोडिंग ले रहा था। हाँ जो आपको मर्जी वो कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप क्लोन स्टैम्प टूल भी ले सकते हैं बोर्ड है। तो फिर यहाँ पर मैं मास्क जो मैं डाउनलोड किया उसको मास्क करके ग्रेडियंट से मैं इसको हटा दे रहा था, और देख सकते मैं हटाई दिया। और जो अपना बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा जो मैं फोरग्राउंड है उससे मैच करने को ट्राई कर रहा हूँ कलर यूजिंग ह्यू। सो अपना बैकग्राउंड का अगर सिचुएशन में हटा दूँ तो कुछ इस तरफ लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका चॉइस के ऊपर, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस, आपको कैसा कलर टोन पसंद है कैसे आपको कर सकते हो, सिर्फ ये सिंपल बेसिक चीज़ है, ये तो आपको भी पता है। तो अभी मैं थोड़ा सा जो मेरा सब्जेक्ट है बैकग्राउंड के साथ मिलाने के लिए मेरे को इसमें डलनेस चाहिए, हाईलाइट नहीं चाहिए, और इसका जो टेम्परेचर होता है ये थोड़ा सा कोल्ड की तरफ चाहिए, तो मैं कोल्ड की तरफ ले आ गया और ऑलमोस्ट अभी मैचिंग लग रहा है। ऊपर से मैं कुछ ये इनर शेडो कर देता हूँ, क्योंकि जो बाहर लाइट है वो ग्लो होना चाहिए बॉडी की तरफ,
तो मैं यहाँ से कुछ इनर शेडो एज अ वाइट ले लेता हूँ और नहीं तो लाइट ब्लू जैसा। हाँ कुछ इस तरह यहाँ पर आपका विद चॉइस आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, मेरे को जैसा ठीक लगे आप उसे कर सकते हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं मैं किस किस कौन कौन टूल का यूज किया हूँ और किस किस ऑप्शन का यूज किया हूँ, आप इसमें से आप अपना नॉलेज ले सकते हैं। और बाकी आपका क्रिएटिविटी के ऊपर, फोटोशॉप एंड फोटो एडिटिंग इज ऑल डिपेंड ऑन योर ओन क्रिएटिविटी। हाँ बकवास था शायद, पर जो भी हो आप इस तरह से आप मेरे जैसे बना सकते हैं फिर से। तो यहाँ पर जो मेरा बॉडी में पूरा तरफ लग गया, मेरे को पूरा तरफ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ हैंड की तरफ। तो मैं उसको जो हम लोग का जो फिल्टर था उसको लेयर मास्क करके मास्किंग करके मैं इस साइड वाला में हटा देता हूँ। अगर आपको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना मोबाइल का डिस्प्ले में अच्छा से देखिए, फिर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जब तक मैं ये कर लेता हूँ और एक बार बता देता हूँ कि अभी तक आपने मुझे अगर फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम में आईडी मेरा है @_ मैं खुद भूल गया, अच्छा @_ OYESANJIT वे संजीत। तो यहाँ पर मैं कुछ लेबल्स कर्व्स वर्ब्स लेके थोड़ा सा एडजस्ट करने को ट्राई कर रहा था। तो अब देख सकता मैं अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि दिस ऑल डिपेंड, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दिस ऑल डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। आप कैसे अपना जो सब्जेक्ट है बैकग्राउंड के साथ कितना आप मैच कर सकते हो उतना आप मैच करिए विथ योर ओन मेथड। बहुत सारा मेथड है इसको मैच कराने के लिए, आप चाहे जो भी यूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जितना भी मैचिंग का होगा सब फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट होगा वो भैया रहेगा अपने साथ। तो मैचिंग भी हो गया, मैं ग्रुप कर लिया अपना उसको, फिर ग्रुप करके शायद मैं ग्रुप को डुप्लीकेट किया, फिर उसको मैं मर्ज किया, फिर से हम कैमरा रॉ फिल्टर में आ गया। कैमरा रॉ फिल्टर में भी कुछ काम था, कैमरा रॉ फिल्टर से जाने से पहले मैं पहले क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि जो इसका साइज है काफ़ी बड़ा है फोटो जो इसका बैकग्राउंड है। तो इसमें फिर से मैं थोड़ा सा नाइट चाहिए, तो यहाँ से मैं ये वाला जो टिल्ट शिफ्ट वाला सिस्टम जैसा है ग्रेडियंट वाला कलरिंग उसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सपोजर घटा देता हूँ। उसके बाद जैसे क्या क्या कर रहा हूँ इसे आप कर सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट था तो सिर्फ इसका जो मैंने इनर शेडो लिया वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर इनर शेडो नहीं लेता तो देखिए ये नहीं आता जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो नहीं आता। तो मैं यहाँ पर एक गलती कर दिया, मैं जो ग्रुप था उसको मैं वो कर दिया मर्ज कर दिए, इसलिए जो मेरा बैकग्राउंड है और मेरा फोरग्राउंड है मिक्स हो गया। जब मैं ये एक्सपोजर कर रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड में भी लग रहा है जो बहुत ख़राब लग रहा है देखने में, आप देख सकते हो। जैसे मैं बंद कर रहा हूँ देखिए मेरा बैकग्राउंड में भी काला काला हो रहा है जो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं काला काला हो रहा है, ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा ये सब मैं बैक कर लेता हूँ फट से और अपना जो ग्रुप है उसको खोल लेता हूँ और जो फोटो मर्ज किया उसको डिलीट कर देता है। तो पहले मैं बैक कर लेता हूँ पूरा का पूरा। हाँ सो देख सकते हैं ये ग्रुप वापस आ गया, ग्रुप को खोलेंगे फिर यहाँ पर आएंगे अपना फोटो को सेलेक्ट करेंगे। अभी अगर मैं ये सब यूज़ करूँ तो सिर्फ मेरा सब्जेक्ट के ऊपर लगेगा जो कि मेरा बॉडी है, बॉडी के ऊपर सब अप्लाई होगा, इसमें उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा अपना बैकग्राउंड के ऊपर, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सिंपल हम यहाँ पर रफ एंड टफ वाला रिटचिंग कर देंगे तो कोई बात नहीं है, सब रफ एंड टफ रिटचिंग करेंगे बूम बाम। सो मैं ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, तो अपना हो गया रिटचिंग कंप्लीट। आपने ये फिर से ग्रुप को डुप्लीकेट करके इस बार फिर से उसको मर्ज कर देता और ओपन कर लेता है कैमरा रॉ फिल्टर में। तो फिर से क्रॉप करना भूल गया मैं, तो क्रॉप कर लेता हूँ फिर से मैं, क्योंकि क्रॉप ना करे तो पिक्चर का जो साइज है बड़ा, अगर हम लोग कोई ग्रेडियंट लिखते हैं तो बैकग्राउंड में लगेगा जो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर डाउन कर लेता हूँ और टिन को थोड़ा सा खेल मतलब इधर उधर एक्सपेरिमेंट करके देखता है जो कि किस तरह अच्छा लग रहा है। तो टिन थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं उसमें कर दिया। और आपका मन आप किस
टाइप में किस तरफ करना चाहोगे और किस तरह आपका फोटो पसंद लगे आपको, आप खुद करो। और इसी के साथ मेरा फोन करता है गुम, किधर है मेरा फोन? तो ओके, फिर से मैं यहाँ कर्व कैमरा ऑपरेटर में कर्व के साथ खेल रहा हूँ। अगर मैं 1000 बार बोल दिया और 2000 बार और बोलूँगा, ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। अगर आप जैसे आपको पसंद है आप इस तरफ कर सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा ही करो, ताकि हाँ हालांकि मेरा कॉपी कर सकते हो इतना ही, ताकि मेरा जैसा फोटो देखने को लगे, लेकिन बट अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। तो मैं यहाँ AMF फिल्टर कैमरा फिल्टर में ही हूँ। ये फोटो एडिटिंग में ज़्यादा उतना जी मामला नहीं है, बहुत इजी है। एक बार आप फोटो देखने से, आपको अगर आपको फोटोशॉप का बेसिक नॉलेज है, मतलब आप एडिट कर लेते हो, तो फिर भी आप ये फोटो बना सकते हो। बहुत इजी फोटो, बहुत इजी है। तो कैमरा कर दिया बंद अपन लोग, तो फिर से अब क्या करेंगे हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ काफी दिन बाद, ये जो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा बहुत दिन पहले। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरा ये कलर आ गया, उसको मैं रिमूव करने का पूरा कोशिश करूँगा यूजिंग टूल और समथिंग लाइक, शायद नहीं कर पाता, मतलब नहीं कर पाऊँगा, मेरे को पता नहीं, मैं भूल गया वॉइस ओवर दे रहा हूँ, देख देख के पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। सो आप देख लो मैं कर पाता हूँ कि नहीं, अगर नहीं कर पाता है तो बहुत खराब। तो मैं जितना कर पाया उतना मैं कर दिया। और बात रही क्या कर रहा था ना, अच्छा मैं एक ग्रेडियंट ले लिया नीचे से, अब नीचे मैं देख सकता हूँ ग्रेडियंट लेने का अच्छा जो ऑप्शन है वहाँ पर आप ग्रेडियंट लेके। अच्छा ये तो मेरा मैं सॉरी पहले, अब ये कोई बकवास चीज़ है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आ गया था जो मैं ये सब कर रहा था, उसकी हरकत, तो अब ये सब ना करें। तो इसी बात में बता देता हूँ, वीडियो हो रहा है कम्प्लीट, और आप शायद वीडियो पसंद आया या नहीं पाया मेरे को कुछ नहीं पता, अगर आया तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मेरे चैनल का जो स्टैटिक्स है बहुत ख़राब है, बहुत डिसलाइक है, व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर है लेकिन व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं ज़्यादा नहीं है, 500 है, लेकिन जैसे भी है बहुत है मेरे लिए, तो बहुत है क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट किया था, अब तक 500 ही कर पाया। तो ये रहा मेरा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, पता नहीं किस टाइप का वीडियो होगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।